ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक प्रॉपर RR 310 का, मतलब जितना मैंने मॉडिफिकेशंस किया है वो सब का एक ब्लॉग लाऊंगा मैं, आप लोगों को बताऊंगा कि कितना प्रॉपर मॉडिफाई कर चुका हूँ इस बाइक में, कितना लगा है, क्या है सब प्राइस एंड ऑल। प्राइस तो मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक ही डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट उधर जाके चेक कर सकते हो कौन सा पार्ट कितने का आया है। और ट्रस्ट में गाइस, बहुत सस्ते में मैंने ये सब किया हूँ, मतलब बोले ना, हर एक मार्केट में ढूंढा हो फिर जाके मेरे को मिला है वो। तो वही आज के ब्लॉग में सब मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना होगा, टोटल मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए इस बाइक में, क्योंकि जो इतना यूनिक दिखते हैं भाई, सब लोग के मैसेज आते रहते हैं मेरे को कि भाई आपने कैसा किया ये मॉड, क्योंकि बहुत यूनिक दिखती है RR, मतलब सबके अलग अलग होती है भाई। हाँ, खुद के दिमाग से अगर मॉड करोगे तो ऑब्वियसली बात है बाइक हमारी यूनिक ही बनेगी। तो एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड मैंने बनाया था इसे, जो लुक भी बहुत सही आता है इसका, तो उसके ऊपर ही आज का ब्लॉग रहेगा। तो अभी सबसे पहले तो एक शांत जगह देखता हूँ जहाँ पे जाके प्रॉपर बाइक का मैं आपको एक वॉक अराउंड दे सकूँ, प्रॉपर लुक दिखा सकूँ क्या आ रहा है, फिर एक एक चीज़ बता सकूँ क्या क्या मैंने लगा है। तो सबसे पहले अभी एक शांत जगह देखता हूँ और फिर पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। तब तक आप लोगों को, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी हम लोग अभी 10,000 करने हैं सब्सक्राइबर हमारे। तो जो भी लोग चैनल पर नए, आप बीच सब्सक्राइब बटन दबा दो, आपको आ रहा होगा साइड में, तो फट से दबा दो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इसमें आते रहेंगे। और एक छोटा सा हिंट कि जल्दी एक अभी लॉन्ग राइड भी आने वाली है हमारी, तो लॉन्ग राइड भी आपको आने वाले ब्लॉग्स में देखने मिल जाएगी। अभी प्लानिंग चल रही है उसकी, कुछ डेट एंड ऑल कुछ फिक्स नहीं किया मैंने अभी तक, बट हाँ निकलूँगा तो फॉर श्योर अभी मैं, क्योंकि बहुत दिन से लॉन्ग राइड नहीं किया मैंने, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, बहुत दिनों के बाद बाइक खींच रहा है, बहुत दिनों के बाद लिटरली आप लोगों को बोलता हूँ न्यू फील हो रहा है। अरे यार मैं कैसे, इतने दिनों के बाद एज इट इज पावर। ये लोकेशन सही रहेगी, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने हिमालयन का एक ऑफ रोड किया था, वो भी यही पहाड़ों में किया था मैंने, उसका भी आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो। हाँ, सॉर्टेड प्लेस है ये, एकदम सही लोकेशन है ये। क्या दिख रही है देखो, फुल वेनम। तो सबसे पहले आप लोग को एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, क्या RR देखो कैसे दिख रही है, फुल 360 व्यू दे देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से हमारी RR दिख रही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे जब बाइक देखते हैं तो पहले ही लुक जाता है मिरर्स पे, जो कि फुल H2 जैसे दिखते हैं, मतलब लुक H2 जैसा आता है हमारे बाइक में पूरा, वैसे ही हमारी बाइक जो है वैसे ही डुकाटी का, इसको बोलते हैं डुकाटी जैसी दिखती है पानी के लिए जैसे, बट अभी ये मिरर जो है उसमें H2 वाला काम करने लग गए। और ये फोल्डेबल है, मतलब ये फोल्ड भी होते हैं, तो एरोडायनामिक्स के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ तो मंगाए थे समथिंग अराउंड 2200, हाँ 2200 रुपये में कुछ तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, सब चीज़ का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार चेक कर लेना आप भी वहाँ से। फिर उसके बाद आया था ये लीवर गार्ड बोल लो या फिर लीवर प्रोटेक्टर बोल लो, ये मैंने उसमें इंस्टॉल किया था, ये सब मैंने घर में ही इंस्टॉल किए थे। तो ये भी एक मस्त दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो कार्बन फाइबर जैसे जैसे टेक्सचर दिख रहा है, तो ये भी एक मैंने बहुत ढूंढ के लिया था, मतलब ईजिली मिल जाता है, बट वो प्राइस रेंज में कुछ मुझे कुछ ये 500 रुपये के आसपास मिले थे, तो वो प्राइस रेंज में मुझे बहुत सही लगा ये। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा अपाची का ब्रांडिंग है इधर, जो हमारा ब्रेक ऑयल जिसमें होता है, जो ब्रेक यहाँ पे सिलेंडर टाइप होता है, उस पर मैंने ये लगाया था स्टील का अपाची, यहाँ पे RR 310 लिखा हुआ। फिर उसके बाद आते हैं स्लाइडर्स, ये स्लाइडर्स लगाए थे मैंने, जो कि सबसे यूज़फुल चीज़ है इस बाइक में, मतलब इस बाइक में नहीं हर बाइक में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये तो मैं तो मस्त रिकमेंड करूँगा कि पहले स्लाइडर्स अपने बाइक में ज़रूर इंस्टॉल करो। साइलेंसर का मैंने सोचा था, मगर साइलेंसर लगाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर बाइक है यार, इसमें साइलेंसर लगाने पे एक इरिटेटिंग साउंड आएगा मेरे हिसाब से, तो भी जो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने साइलेंसर स्किप कर दिया।
टेल टैडी भी लगाने वाला था मेरे पास है, मगर अभी बारिश चालू होने वाली है इसलिए टेल टैडी भी नहीं लगाया। बट हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेल टैडी का भी लिंक डाल दूंगा वो जो मेरे पास है करके, क्योंकि वो बहुत सही है और क्वालिटी प्रोडक्ट है वो। बाद में मैंने सीट्स कवर चेंज किए थे पूरा प्रॉपर, देखो बाइक को मैचिंग, जो ये लाइन इधर से जो निकाला हो मैंने, क्योंकि जो ग्राफिक्स कराया था उसके हिसाब से पूरी लाइन मैंने आगे तक रखा था। फिर यहाँ पे हमारे चैनल का नाम, हाँ, सबसे यूज़फुल चीज़ रोल ऑन का मैंने ब्रास चेन डाला था, पूरा चेन स्प्रॉकेट नया डाला था जो ब्रास चेन के साथ आता है, जो गोल्डन चेन जो दिखती है पूरा मैंने ब्रास पे डाला हुई है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, अभी थोड़ा उसको ल्यूब नहीं करा है, इसके लिए साफ़ क्लीन नहीं किया तो देखो उस पर डस्ट आ गया, बट ये पूरा गोल्डन चेन है जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है। मतलब जो स्टॉक में चेन आती है उसके कंपेयर में ये चेन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टॉक की चेन आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा बहुत जल्दी लूज़ हो जाती थी वो, तो वैसे प्रॉब्लम अभी तक इसमें तो नहीं आया है मेरे को। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, बट ये कुछ कॉस्ट करती है 4,700 या 5,000 के आसपास, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम, बट हाँ इसके ऊपर भी वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया वो चेक कर सकते हो। फिर बाद में मैंने टायर, आपको टायर देख के एक चीज़ तो नोटिस हुई होगी कि ये स्टॉक टायर से बड़े हैं, क्योंकि ये जो है ये मैंने एक साइज़ बड़ा रखा हूँ, मतलब जो हमारे नॉर्मली 150-170 के आते हैं मैंने ये 160 का रखा हूँ, तो ब्रॉड देखो कितना है ये, मगर लुक के लिए मैंने लगाया था, ऐसा कुछ स्पेशल ये रीज़न नहीं है, क्योंकि ये आपको भी मालूम एवरेज में मार खाता ऐसे बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं रहता, एवरेज तो अगर तुम पिलियन में बिठा लोगे तो वैसे ही एवरेज कम मिलता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि टायर एक साइज़ बड़ा डालने की वजह से एवरेज नहीं मिलेगा। बट क्या दिख रहा है ये टायर, देखो यहाँ पे इसका साइज़ भी लिखा है 160/70/B17, वही अपने मिशलिन के ही स्टॉक रखो, आगे भी मैंने ये रखा हूँ मिशलिन ही रखा, आगे मैंने ओरिजिनल साइज़ रखा था मगर पीछे का मैंने वन साइज़ बड़ा रखा हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा अपडेट जो यूज़फुल पड़ता है लॉन्ग राइड के टाइम, मोबाइल होल्डर, ये तो सभी नॉर्मली लगाते ही है क्योंकि वो मैप वगैरह ये सब देखने के लिए या फिर नोटिफिकेशन देखने के लिए यूज़फुल होता है, तो ये एक मैंने डाले थे। बाद में इंडिकेटर्स भी मैंने चेंज किए थे, क्योंकि जो स्टॉक इंडिकेटर आते हैं वो बहुत कॉस्टली करते हैं, कॉस्ट कुछ अराउंड करते 1200 रुपये के आसपास कॉस्ट करते हैं एक इंडिकेटर, तो मैंने ये जो नॉर्मल अपने जो आफ्टर मार्केट मिलते हैं वो वाले मैंने इंस्टॉल किए इसमें। और एक छोटा सा अपडेट, ये बस रात में अच्छा दिखता है, ये देखो ये जब मैं रात में राइड करता हूँ तब एक काम आता है, फुल वो ऑडी जैसे जाती है DRL जैसे, उनका जो LED रहता है पूरा वेव्स में जाता रहता है, तो ये अभी दिन में तो इतना अच्छा नहीं दिखेगी बट रात में बहुत सही दिखती है ये। चाहिए तो आपको इधर है ना साइड में एक फुटेज डाल दूंगा इसका भी, ताकि आपको भी आइडिया जाएगा रात में कैसी दिखती है। और ओवरऑल लुक ग्राफिक्स में सिंपल सा टचअप किया हो मैंने, बाकी कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी बाइक वैसे ही मैट ब्लैक है तो उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने जो इसका आगे का वाइज़र है ये मैंने पूरा ये कर दिया मैट ब्लैक कर दिया, और रेड कलर का मैंने उसमें बस स्ट्रिप से टचअप किया हो बस। और ये हमारे वेनम का आगे दार, एक्चुअली ये वेनम नहीं है ये डेविल जैसा ही है, जिसका ब्लैक पूरी भी जो बोला ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो ये बहुत सोच के बनाया। और आगे से देखो क्या प्रॉपर लुक दे रहा है, सही। सो यही सब ओवरऑल है, मैंने ओवरऑल इतना ही इसमें सब मॉड किया हो, क्योंकि मेरे को मैंने जो यूज़फुल है वही चीज़ें किया हो, बस अगर करना है मॉड इसके लिए बस करना, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच में यूज़फुल रहेगी वही चीज़ों का मैंने मॉड किया हो। ये भी लाइट मैंने जो लगाया था इसका भी मैंने यहाँ पे अलग से स्विच निकाल के रखा हो, तो ये इग्निशन के ऊपर ही चालू होगा, तो अभी के लिए बंद कर देता हूँ। सो दैट्स इट गाइस। और हाँ, एक हमारी RR को S1000 RR जैसे करने थोड़ा सा ट्राई किया है, जो वैसे फिन्स होते हैं वैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देके एकदम बोलते डिटेल वर्क किया हो, तो जो अच्छे से अच्छे लुक को बोलते ना एनहांस करे वैसे मैंने इसमें किया था, तो ये भी एक मस्त लगा था मेरे को, इतना पोर्शन जो शार्क के फिन्स होते हैं जैसे S1000 RR में आते हैं वैसा मैंने इसमें लुक देने का ट्राई किया था। ओवरऑल एकदम परफेक्ट RR, मतलब जो भी रोड पे देखता है ना भाई उसकी नज़र तो रुकती है कि ये क्या बाइक है करके। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग को ये कैसी लगी है बाइक, आपको ये मॉडिफिकेशन जो मैंने किया, जो ग्राफिक जो सिंपल एंड सॉर्टेड रखा हो और जितना यूनिक बनाया हो, आपको बाइक कैसी लगी मुझे बताओ कमेंट्स में। आपको जो भी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, तो जितना कमेंट कर सकते हो करके बताओ मुझे क्या क्या यूज़फुल लग रहा है, और क्या क्या चीज़ मैंने करनी चाहिए वो भी डेफिनेटली मुझे बताओ, तो उसके ऊपर भी मैं वर्क करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग अगर आपको यूज़फुल रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी आपको, अगर ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ यूज़फुल लगा है, तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ,
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।